जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। हमारी आज की मेहमान भी कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि वो अपने दिल की सुनती हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वही करती हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जूडो प्लेयर सुचिका तारियाल की, जिन्होंने जूडो मैचेस में अच्छों को धूल चटाई है और कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स अपने नाम किए हैं। सुचिका कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। वैसे सुचिका सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं और हाल फिलहाल में एमटीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम रोडीज के लिए भी सेलेक्ट हुई हैं। तो आइए स्वागत करते हैं बेझिझक बेधड़क जूडो प्लेयर सुचिका तारियाल का। आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सर। सुचिका, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपने अभी रोडीज में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो रोडीज में जाने का ख्याल कहां से आया? सर कोई ख्याल नहीं था, मतलब वैसे ही जनरली लॉकडाउन है तो कुछ ट्राई करना है, मतलब कुछ नया करने का मेरा हमेशा वो रहता है कि मुझे कुछ नया ही करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया रूडीज के लिए और बस फिर जर्नी स्टार्ट हो गई रूडीज की। उसमें मुझे कुछ एक्टिविटी कुछ अलग से करने का मन रहता है सर, इसलिए। सो क्या टास्क दिया गया था वहां पे, क्या आपने कौन सा वीडियो अपलोड किया था? सर वीडियो मतलब अपने अपने बारे में इंट्रो देना है, ऐसा एक वीडियो हमने डाला था कि आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हो या आपका प्रोफेशनल क्या है, तो सिर्फ मैंने एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप डाली थी, उसमें उसमें मैंने मतलब अपने बारे में बताया था कि मैं एक जूडो प्लेयर हूँ, मैं सीएसएफ में हूँ, मुझे फिटनेस रैंक भी हूँ और बहुत कुछ मतलब करने का मुझे मतलब रहता है कुछ ना कुछ अलग करूँ, तो बस थोड़ा सा एक क्लिप डाला था, बस उससे मैं सिलेक्ट हो गई। So, उसमें कोई टास्क नहीं हुआ था विद दी जजेस एंड ऑल? नहीं नहीं सर, एक टास्क नहीं हुआ था, सिर्फ सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा मतलब उनका टीम्स ने मुझे इंटरव्यू लिया था, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी। यंगस्टर्स के बीच में काफी पॉपुलर है रोडीज, सो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को, यंगस्टर्स को स्पेशली? यंगस्टर्स को यही देना चाहूंगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, हर जगह ट्राई करो, क्या पता बाय चांस लग कहीं अच्छा हो, और बस ट्राई करते रहना चाहिए सर, मैं तो यही बोलूंगी हर जगह। हाँ जी सर। So, आप जूडो प्लेयर हैं, जूडो से रिलेटेड एक सवाल, जो जूडो जब शुरू हुआ, जब आपने शुरू किया जूडो, तो जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए शुरू किया था एंड देन इट बिकेम अ पैशन, या कोई और इसके पीछे की स्टोरी है जो आप बताना चाहेंगी? सर एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने स्टार्ट किया था और एक स्टोरी है जो सेल्फ डिफेंस से मुझे मतलब होता है कि मतलब मैं जब छोटी थी तो मतलब मैं बॉय कट रखती थी, तो मतलब ऐसे ही बार्बर ने थोड़ा इधर उधर टच किया, तो मुझे होगा यार नहीं ये तो गलत किया है, मतलब मुझे अगर मैं थोड़ा होती कि मुझे कुछ आता है तो मैं उसको जवाब दे सकती थी उस टाइम पे, पर उस टाइम पे मैं छोटी थी तो मैंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, तो बस मेरे दिल में ही हो गया था कि बस अब मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखना है, या मतलब कि मैं कल को अगर मुझे कोई ऐसा कुछ करे तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ। उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे मम्मी को बोला कि मुझे गेम करना है, चाहे मुझे फाइटिंग गेम मुझे बहुत पसंद था, वैसे भी घर में मैं लड़ाकू थी, छोटी छोटी बहनों को मतलब मारना वगैरह और लड़कों को भी मारना, तो मम्मी ने मुझे फिर जूडो में डाला, फिर जूडो में डाल गया तो फिर मेरा थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट, तो फिर इसलिए सर जूडो मेरे को सीखने का बहुत मन किया, इसलिए मैंने जूडो चूज किया सर, और बस यही रीजन है कि मैं फाइटिंग गेम यूज मतलब ज्यादा वो करती हूँ चूज सर। तो सोचेगा तारियाल को काफी गुस्सा आता है मतलब? नहीं सर गुस्सा तो नहीं आता, बट कब जब आता है तो बहुत आता है, लेकिन वैसे गुस्सा नहीं आता सर। सो अगर कभी आता है तो कैसे कूल डाउन करती हैं फिर अपने आप को, कैसे आप यू नो काम करती हैं अपने आप को? सर मैं वैसे कहीं जाके मतलब ऐसे ही मेरा जब भी गुस्सा होना या थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ही अपसेट हूँ तो मैं एक जगह जाके आराम से शांति जहाँ कोई ना हो वहां पे जाके मैं बैठ जाती हूँ। So, आपने नेशनल्स लड़े, आपने इंटरनेशनल्स भी कई जूडो मैचेस लड़े हैं, सो मैक्सिमम जितने भी आपने मैचेस लड़े आज तक, उनमें कई जगहों पर आप यू नो यू हैव बीन सक्सेसफुल, आपने मेडल लेकर ही आई हैं आप, सो इस जो आपकी विनिंग के पीछे का सीक्रेट क्या है आपकी? सर मेहनत, लगन और पैशन और डिसिप्लिन, तो ये सब मेहनत करो, जिस किसी चीज में अगर आपका पैशन या कुछ ऐसा होगा कि आपको ये चीज अचीव करना है तो आप हमेशा करोगे, आपके सामने चाहे कुछ भी बाधाएं या वगैरह कुछ भी आ जाए, लेकिन बस मेरा यही था कि मुझे करना है कुछ, बस इसीलिए सर।
लगी जी। रहती हूँ कर। सो पहला पहला जो आपका मेडल था, जो भी अपनी लाइफ में आपने जीता था जूडो मैच के बाद में, पहला वो मेडल आपके दिल के करीब है, या कॉमनवेल्थ में आपने जीता जो मेडल वो आपके दिल के ज्यादा करीब है? सर पहला मेडल, पहले मेडल ने मुझे सिखाया है कि अगर अगर तेरा भी ब्रॉन्ज आए कि गोल्ड मतलब सिल्वर आ सकता है, अब अगर सिल्वर आया तो गोल्ड भी आ सकता है। तो पहला मेडल जी मेरे दिल के करीब है, वो सबसे मेरा यादगार है सर। जी सो आप अभी आप हेड कांस्टेबल एनसीआईएसएफ में, और जूडो में अच्छे प्रदर्शन की वजह से आपको जॉब भी मिली है। सो क्या आप क्या कहना चाहेंगी कि सबको ये जॉब मिल जाती है जनरली, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिनमें बहुत फाइटर स्पिरिट होती है, सिर्फ उन्हीं को ही जॉब जनरली मिलती है? सर जॉब मतलब मिल जाती है, स्पोर्ट्स कोटे से हम लोग भर्ती हुए हैं तो उसमें कुछ मांगा होता है, जैसे मेडल मांगे होते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में आपका मेडल होना चाहिए, या स्कूल्स में, या जूनियर नेशनल्स में, सीनियर नेशनल्स में, या इंटरनेशनल, उसके पॉइंट्स जुड़ते हैं। देन मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मुझे सबसे पहले लेंगे, ऐसा नहीं है। फाइट होती है, अगर मैं हार भी गई तो पहले उसको चांस दी जिसने मुझे हराया है। तो सर हाँ जी, ऐसा नहीं, हमारे इसमें सियासत में बहुत ही अच्छे से जब भर्ती होती है तो बहुत ही डिसिप्लिन और सब बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि अगर मैं हार गई क्या पता मैं आगे भी हार सकती हूँ, दूसरे को चांस मिलना चाहिए। तो सर हमारे इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि, पर बस कुछ मेडल्स मांगे होते हैं, आपको अचीवमेंट्स आपकी होनी चाहिए मतलब भर्ती होने के लिए, मतलब स्टेट वगैरह नहीं मांगते, नेशनल्स में मेडल मांगते। अभी आप CSIF में हेड कांस्टेबल हैं, अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर आप डंडा भी चलाती होंगी कि मैं सीनियर हूं, जैसा मैं कहूं ऐसे करना। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं सर, सब बहुत अच्छे से फ्रैंक ले, मतलब मैं फ्रैंक हो जाती हूँ हर किसी से, मतलब ऐसे ही बिहेव करती हूँ जैसे मैं उनके साथ की हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुमसे इतना सीनियर हूँ तो मुझे गुड मॉर्निंग विश करो, मुझे ये विश करो, नहीं सर। मैं रहती हूँ सर, बहुत हंसी मजाक करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे भी लगता है मतलब वो लोग मुझे भी देख के थोड़ा सीखने को उनको मिलता होगा, और मुझे भी उन लोग को देख के बहुत सीखने को मिलता है सर जूनियर से। स्कोप क्या है जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए जूडो में? सर स्कोप बहुत अच्छा है, हमारे जूनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी फेडरेशन बहुत सपोर्ट कर रही है, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं मनमोहन जायसवाल सर, वो जूडो को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, मतलब हर कंपटीशन वो हम लोग को भेजते हैं, चाहे अगर गवर्नमेंट के पास अगर कुछ नहीं है तो भी वो हम लोग को ये बोलते हैं कि आप अपने पैसों में जाओ, अपने खर्चे पे जाओ, आप प्रदर्शन करो और बेस्ट अपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करो, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं फेडरेशन तो ओलंपिक की तैयारी अच्छी चल रही है? सर। अभी तो ठीक ही चल रही है सर अभी फिलहाल तो, बट मैट से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सब अच्छा से चल रहा है। पर इंस्टाग्राम पे आप काफी एक्टिव हैं एंड आपने कई वीडियोस डाले हुए हैं जहां पर आप रिग्रेस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करते हुए देखी जाती हैं। हाँ जी सर, मैं बस ये, हाँ सर मैं थोड़ा ऐसे डालती हूँ, क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर हमारे पास नहीं है कुछ भी तो हम, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएं घर पे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत चीजें होती है करने के लिए सर, बस इसीलिए थोड़ा बहुत। बट वॉट कीप्स यू गोइंग टू डू रिग्रेस एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस एवरी डे? मतलब क्या ये अंदर से जो जज्बा है वो कहाँ से आता है? मतलब हर रोज की आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, ये कैसे ये जज्बा आप मेंटेन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस? सर मेरे को मतलब पूरे दिन में मुझे अपना 100% एक बार अगर मैं दे देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, नहीं तो सर पूरे दिन ऐसा लगता है यार आज तो कुछ किया नहीं है यार, पसीना नहीं आया यार, क्या करूँ क्या, बस दिमाग में थोड़ा ये चलता रहता है सर, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, इसलिए सर। आपका एक पेट है जिसका नाम स्काई है, उसके बारे में कुछ बताइए। काफी वीडियोस हमने देखी है इंस्टाग्राम पे उसके साथ भी आपकी। हाँ जी सर, सर वो मतलब वैसे ही हम लोग जा रहे थे पटियाला से दिल्ली आ रहे थे, तो वो अम्बाला के थोड़े से आगे पीछे मतलब पटियाला और अम्बाला के बीच में एक जंगल है, वहां पे मुझे मतलब हम लोग अपने पर्सनल कार से जा रहे थे तो वहां पे वो था, उसको बहुत इंजरीज थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई अम्बाला में,
उसको दिखाया और बोला कि इसको ठीक मतलब चोट वोट लगी थी, वो पट्टी वट्टी बैंडेड वगैरह किया। फिर उसको सर मैं घर लेके आ गई, मम्मा ने बहुत गुस्सा किया ये वो, पर सर मेरा तो यही है कि बस मुझे कुछ मतलब पेट से भी बहुत प्यार है तो मैंने रख लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो मतलब अकेला था वहां पे, तो सर मैंने अपने पास रखा उसको। मतलब अभी तो बहुत बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया सर, बहुत शैतान है सर। आपने अभी एमएमए में भी पार्टिसिपेट किया, मिक्स मार्शल आर्ट्स में, एंड वहाँ पे भी आप जीती। तो ये वहाँ पर जो एमएमए में पार्टिसिपेशन था आपका, ये कोई किसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, या किसी ने आपको ललकारा था कि नहीं चैलेंज करता हूँ मैं, आओ एंड मुझे हरा कर दिखाओ, ऐसा कुछ था क्या नहीं सर, इसके? नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप खेलो, आप कर सकते हो। तो सर मैंने सिर्फ जस्ट ट्राई किया था कि चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, और मतलब मैं उसमें विन जीत गई थी वैसे तो। बट मतलब अगर ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब फाइटिंग गेम तो मुझे पहले से ही पसंद है, तो मुझे बस ये कि मुझे एक पंच तुमने मारा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बस मुझे भिड़ना है, ऐसा है कि मुझे जीतना है, चाहे मैं कैसे भी जीतूं, चाहे मैं पिट के जीतूं, पर मुझे जीतना था। तो मैं सर उसमें भी विन हो गई थी, बस इसीलिए सर मुझे फ्रेंड ने बोला था कि आप खेलो एक बार ट्राई करो, तो इसलिए मैंने किया था। तो अगर आगे भी कोई चैलेंज करता है, अगर आपको कहता है नहीं आओ एक बार और एमएमए फाइट के अंदर आप आओ एंड लड़ो, तो आप जाओगे? जी सर, जरूर जाऊंगी मैं। अगर सुचिका तारियाल को अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करना हो, तो वो क्या शब्द होगा? एक शब्द है मुझे फेयरलेस। बिल्कुल, आपका एटीट्यूड भी और आप जिस हिसाब से आप बेझिझक बेधड़क हैं, फियरलेस डेफिनेटली आपको सूट भी करता है। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सुचिका, और हम आशा सर, करते हैं कि आप बहुत अच्छा करें आगे। विलासन से थैंक स्पोर्ट्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर, यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।